हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरटीपीएस बिहार की जो वेबसाइट है उसमें क्या टेक्निकल इशू आ रही है, क्या अपडेट किया गया है। तो चलिए चलते हैं सीधे वेबसाइट पे। आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आप यहाँ पर टाइप करेंगे आरटीपीएस। आरटीपीएस टाइप करने के बाद गाइस आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि दो लिंक दिए गए हैं सर्विस ऑनलाइन के, आरटीपीएस 1 और आरटीपीएस 2। आप किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें एक पॉपअप टाइप में आ रहा है, ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क ऑफ आरटीपीएस ई सर्विस द एप्लीकेशन फॉर जीएडी सर्विस कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 12 AM midnight, मतलब 12 बजे रात्रि के बाद, टू 3 PM ओनली, 3 PM रात, यानी कि दोपहर के 3 बजे तक ही आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन जो जैसे कि जाति आवासीय आय या फिर कोई भी जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ों की अभी जो टाइमिंग दी गई है वो सिर्फ 12 बजे मिडनाइट से लेकर के 3 बजे रात्रि 3 बजे दोपहर तक दिया गया है। तो गाइज आप अपना जो भी जाति आवासीय आप ऑनलाइन करते हैं वो इसी टाइम में करेंगे तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, या फिर उसके बाद करेंगे तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या फिर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.